हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव ब्लॉग्स एंड रिव्यूज़। तो दोस्तों, आज मैं रिव्यू करने वाला हूँ नहीं दोस्तों, इसका नहीं। तो आज मैं एक्चुअली कंपैरिजन करने वाला हूँ इंडिया के दो बेस्ट वेट मशीन का, जो अभी आप मेरे हाथ पे देख रहे हैं। ये दोनों ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और दोनों ही बेस्ट वेट मशीन है। तो एक्यूरेसी के मामले में दोनों ही बेस्ट है, आप इनमें से किसी को भी खरीद सकते हैं। मैंने दोनों का अलग अलग रिव्यू किया है, आप देख सकते हैं, लेकिन आज मैं कंपैरिजन करने वाला हूं। तो आखिर में आपको पता चल जाएगा आपको कौन सा लेना है। तो अगर दाम का देखा जाए तो इस होफेन का दाम है 899 रुपीज़ और इस मेडिटिव का दाम है 1249। और इनमें जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो है इसका बिल्ड क्वालिटी। मतलब ये होफेन जो है ये टेम्पर्ड ग्लास से बना हुआ है और ये मेडिटिव फाइबर बॉडी से बना हुआ है, फाइबर प्लास्टिक से बना हुआ है। तो अगर आपको डर है कि ऐसा ग्लास का वेट मशीन टूट जाएगा तो आप ये वाला ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं कंपैरिजन। तो ये जो दोनों प्रोडक्ट है, ये दोनों ही डिजिटल वेट स्केल है और दोनों ही मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और दोनों पे 1 ईयर का वारंटी आता है। तो साइज़ का देखा जाए तो ये जो मेडिटिव वेट स्केल है ये थोड़ा सा बड़ा है और ये होफेन वेट स्केल थोड़ा सा छोटा है। और दोनों ही पोर्टेबल है, ये दोनों ही बैग में आसानी से फिट हो जाता है। तो ये हो गया सामने का हिस्सा, यहाँ पे LED स्क्रीन है और मेडिटिव पे यहाँ पे है। तो देखते हैं पीछे क्या है। तो इन दोनों पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सेंसर्स है, 4 सेंसर्स है और होफेन पे भी नीचे में 4 सेंसर्स है। इसी से वेट कैलकुलेट होता है। उसके बाद दोनों पे बैटरी कंपार्टमेंट है, यहाँ पे 2 AAA बैटरी चाहिए और होफेन पे यहाँ पे भी 2 AAA बैटरी चाहिए। ये बैटरीज आसानी से अवेलेबल है, आपको किसी भी दुकान पे मिल जाएगा और जल्दी से बैटरी ख़त्म नहीं होता है। तो साइड का देखें तो इस मेडिटिव में एक स्टील का बॉर्डर है, देखने में बहुत अच्छा लगता है इसका साइड लुक। और जो होफेन का है इसमें साइड में कोई डिज़ाइन नहीं है। तो ये हो गया लुक का बात, लेकिन जो सबसे ज़रूरी है वो है कि ये दोनों एक्यूरेट है कि नहीं। तो अभी टेस्ट करेंगे इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट है। तो जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ, तो पहले मैं टेस्ट करने के लिए यूज़ करने वाला हूँ एक 5 kg का आटा का पैकेट। तो इसको देख के देखेंगे कि दोनों में कितना रीडिंग दिखाता है और उसके बाद मैं खुद का वज़न लेके देखता हूँ कि इसमें कोई डिफरेंस तो नहीं आता है। तो ये देखिए 5 kg का पैकेट है। तो अभी मैं इसको बारी बारी एक एक मशीन पे देने वाला हूँ। तो पहले देता हूँ मेडिटिव पे, तो दिखा दिया है 5 kg देखिए। तो अभी मैं देने वाला हूँ दूसरे मशीन पे, होफेन पे। तो देखिए उसमें भी दिखा दिया है 5 kg, मतलब दोनों ही मशीन पूरा बराबर है। तो एक बार फिर मैं टेस्ट करने वाला हूँ, पहली बारी है होफेन का। तो दिखा दिया है 5 kg, तो अभी दूसरा का बारी मेडिटिव का। तो दिखा दिया है 5 kg, दोनों ही बराबर है। तो अभी मैं खुद का वज़न लेने वाला हूँ, तभी पता चलेगा ये दोनों वेट मशीन कितना एक्यूरेट है। तो पहले मैं उठ रहा हूँ होफेन पे, तो यहाँ पे दिखा दिया है 68.2 kg। तो अभी मैं जा रहा हूँ मेडिटिव पे, तो यहाँ पे दिखा दिया है 68.3 kg। तो 100 ग्राम का डिफरेंस आया है। फिर से आता हूँ इसमें होफेन पे, 68.2 kg और मेडिटिव पे 68.3 kg। तो अभी आप बोलिए कौन सा एक्यूरेट है। तो मैं बोलता हूँ दोनों ही एक्यूरेट है, लेकिन जो मेडिटिव है इसमें 100 ग्राम ज़्यादा दिखाता है। 5 kg में कोई फ़र्क नहीं पता चलेगा, लेकिन ह्यूमन वेट में पता चल रहा है। और इसके बारे में उन्होंने अपने जो पैकेजिंग है उसमें लिख के रखा है, देखिए डिवीजन ग्रेजुएशन 100 ग्राम है, मतलब 100 ग्राम थोड़ा सा ज़्यादा दिखा सकता है। तो आप दोनों ही खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आप मेडिटिव लेंगे तो आपको 100 ग्राम कम करना पड़ेगा। जो रीडिंग दिखाएगा उसमें से 100 ग्राम कम कर दीजिएगा। और जो होफेन है ये पूरा ही एक्यूरेट दिखाता है, लेकिन होफेन का ऊपर का ये ग्लास का है, ये टूटने का डर है, लेकिन मेडिटिव का ये फाइबर का है, इसमें टूटने का डर नहीं है। तो कंपैरिजन पूरा हुआ। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं आपके लिए कौन सा बेस्ट है और आप कौन सा लेना चाहते हैं। तो इन दोनों को खरीदने का बेस्ट बाय लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। तो मैं आपके लिए दोनों को ही रिकमेंड करता हूँ।
तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको आज का वीडियो काम का लगा। अगर काम का लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज देखते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं एक दूसरे ऑनेस्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।